So cross-cultural psychology moving on to moral development. We were on the theme of development and culture. So, who what is a developing child? And what type of development does a child go through from birth to till he becomes an adult and till they become older and their life ends. So it's a life-span thing that we call development. Up development, physical bhi hoti hai, motor bhi hoti hai. We discussed it earlier that when we learn to use things, a child goes through cognitive development when he starts understanding things. Now there is development, which is moral development, which means, kya sahi hai aur kya और सही और गलत होने का मतलब क्या है कोलबर्ग ने तीन लेवल मॉरल डेवलपमेंट के बताए हैं और छह स्टेजेस की वो बात करता है और मॉरल डेवलपमेंट के बारे में एक बात ये है कि ये तमाम कल्चर्स में होती है हर कल्चर में सही और गलत के पैमाने सही और गलत बिहेवियर के अंदाज़ गलत और सही की तमीज़ दिस इज़ टॉट टू चिल्ड्रन और वो बड़े होते होते हमारा इस पर फोकस होता है कि सोसाइटी पेरेंट्स टीचर्स गलत और सही का जो एक तरबियत है वो साथ साथ जैसे वो बड़े हो रहे हैं हर स्टेज पे कोई चीज़ उनकी समझ में आ सकती है कि ये मैंने नहीं करनी है ये अच्छी है और मैंने करनी है। स्टेज वन को प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं इसमें ना एक जजमेंट्स के क्या सही है और क्या गलत वो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती इसमें सिर्फ ये होता है कि जिस पे सज़ा मिले वो गलत है तो ये खौफ पे चलता है मामला हम आमतौर पे इस स्टेज पे बच्चे को रोकते रहते हैं कि बस रोकेंगे पकड़ेंगे तो तभी वो रोकेगा उसके अपना कोई ज़मीर अभी डेवलप नहीं हुआ स्टेज टू भी प्री कन्वेंशनल है उस जो, जो मैंने कहा कि वो जो लेवल है उनमें दोनों तीनों लेवल में दो दो स्टेजेस हैं इसकी स्टेज टू में अच्छा काम करने से खुशी मिलती है और बुरा काम वो है जिसकी वजह से कोई बुरा नतीजा निकले तो इतनी एक जो है वो मॉरल मेचोरिटी की डेवलपमेंट जो है वो हम तैयार कर रहे होती हैं बढ़ते हुए इंसानों और बच्चों में स्टेज थ्री जो है वो कन्वेंशनल लेवल है अगर कोई आपको कहता है कि ऐसा करना अच्छा है तो आप उसको अच्छा कहते हैं और अगर कोई आपको कहता है ऐसा करना ठीक नहीं है तो आप वो कहते हैं कि हाँ ठीक है दूसरे कह रहे हैं स्टेज थ्री में कन्वेंशनल लेवल में आप रस्म रबते कन्वेंशन जो कुछ इनके दौर है उसके मुताबिक करते हैं अपने तरफ से नहीं स्टेज फोर भी कन्वेंशनल लेवल में ही फॉल करती है जो कवानी है जो कानून है उससे फैसला होता है कि क्या सही है और क्या गलत है स्टेज फाइव ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है मॉरल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स और उसके अंडरलाइंग जो सरकमस्टांसिस हैं सोशल सरकमस्टांसिस सो यू कैन डू रीजनिंग यू कैन थिंक अबाउट इट अब आप कन्वेंशन पे नहीं चल रहे दूसरों की बताए हुए रस्ते पे नहीं चल रहे मॉरल बिहेवियर एक हर इंसान का अपना जो है उसके जो हकूक हैं उसके मुताबिक डिटर्मिन हो सकता है स्टेज सिक्स ये पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंदर और आखिरी स्टेज है ये मॉरल कंडक्ट जो है इसके कोई आलमी यूनिवर्सल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जो यहाँ ठीक है वो वहाँ भी ठीक है चोरी करना हर जगह गलत है जुल्म झ्यादी करना हर जगह गलत है कानून की हुक्मरानी हर जगह सही है तो ये वो यूनिवर्सल हैं जिन पे तमाम कल्चर्स एग्री करते हैं इनके पीछे कुछ इखलाकी असूल हैं जो गवर्नमेंट और लॉ से भी बालातर है कोलबर्ग ने अपनी जो क्रॉस कल्चरल स्टडी की उसमें अब चाइनीज़ ने मॉरल जजमेंट्स उन्होंने कंपेयर की उसमें ये जो थाउजेंड लोग थे वो चाइनीज भी थे हांगकांग के थे इंग्लिश के थे एंड यूएस के कॉलेज एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे उनको चार स्टोरीज दी गई थी और मॉरल डिवेलपमेंट की स्टडी हमेशा ऐसे ही होती है कि कोई स्टोरी देते हैं एक शख्स जा रहा था उसका बटवा गुम हो चुका था उसको ज़रूरी कहीं पहुंचना था वो ट्रेन स्टेशन पे उसको किसी का कोट नज़र आया वो बंदा अंदर गया हुआ था वॉशरूम के उसने कहा कोट में बटवा इसके है मैं तो मजबूर हूँ मुझे तो पहुँचना है मेरा जॉब का इंटरव्यू है तो क्या उस वक्त किसी के बटवे से पैसे निकालना दुरुस्त है तो ये एक स्टोरी होती है और फिर लोग बताते हैं कितना दुरुस्त है क्यों दुरुस्त है वगैरह इस तरह ये रिसर्च होती है तो इन्होंने उसमें क्रॉस कल्चरल किए और उनको का के बताएँ क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम की पैसे उसके पास नहीं है उसने इलाज कराना है या कहीं जाना है या अगर सच बोलेगा तो किसी का दिल टूटेगा और अगर झूठ बोलेगा तो वैसे मॉरली वो पूरी चीज़ है वो ऐसा मसला पेश करते हैं अखलाक़ी जिसके ऊपर फैसला करके पता चलता है कि ये मॉरली कितने डेवलप्ड है कभी कभी सोच आती है कि हमारे यहाँ कौन सा तबका है जिसको ये मॉरल डेवलपमेंट का आज देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उन्हें सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता और वो इस मुल्क को भी चलाने के दावे करते हैं खैर सो so, इस रिजल्ट से ये पता चला कि जो चाइनीज है ना वो स्टेज थ्री कन्वेंशनल लेवल जिसको ज्यादातर लोग दुरुस्त समझते हैं जबकि इंग्लैंड के और अमेरिकन जो थे वो स्टेज फोर ये जो लॉ है और जो गवर्नमेंट है और जो इस्टेब्लिश लॉ है वही दुरुस्त है इसका मतलब क्या है माई लीडर इज़ राइट माई टीचर इज़ राइट ये कन्वेंशनल रीजनिंग है कि वो जो भी कह रहे हैं ठीक है माई एल्डर्स और माई फ्रेंड्स आर राइट ये कन्वेंशनल है वॉट दे से इज़ गुड एंड मॉरल ये तो हो गई कन्वेंशनल वर्सेज लॉ डिफाइन्स वॉट इज राइट कानून हमें बताता है कि क्या दुरुस्त है तो ये कन्वेंशन के अंदर ही स्टेज थ्री एंड फोर की रीजनिंग में दोनों मुल्कों और दोनों कल्चर्स के लोगों में फ़र्क था ये रिसर्च